Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 7th G science, we are in the revision of chapter 7th. Today we start the revision of this chapter. We have keywords. First of all, to revise, first keyword is aerobic respiration. Aerobic respiration, release of energy from food, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनर्जी का रिलीज होना फूड से या ग्लूकोज से किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. एन एरोबिक रेस्पिरेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड और ग्लूकोज इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी का रिलीज होना फूड से एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट, एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार सांस लेता है, ब्रीथिंग रेट कहलाता है. सेल्युलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन सेल्स, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल. ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स को, सेल्युलर रेस्पिरेशन कहलाता है. एक्सपायरेशन, गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो उसको बाहर निकालना एक्सपायरेशन कहलाता है. हीमोग्लोबिन, पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के सभी पार्ट्स के अंदर, हीमोग्लोबिन कहलाता है. इंस्पायरेशन, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, जिस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है उसको अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है. नेक्स्ट, लेंटिसेल्स, पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ वुडी ब्रांचेस दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो छिद्र जो सरफेस ऑफ वुडी ब्रांचेस के ऊपर, यानी कि जो किसी प्लांट की ब्रांचेज हैं उसके ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं जो हेल्प करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज में, वो लेंटिसेल्स कहलाते हैं. रेस्पिरेशन, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू बायोकेमिकल एनर्जी, शुगर को कन्वर्ट करना बायोकेमिकल एनर्जी में रेस्पिरेशन कहलाता है. स्टोमाटा, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लीव्स यानी कि पत्तियों के सरफेस के ऊपर छोटे छोटी ओपनिंग्स, छोटे छोटे छिद्र, वो जिनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर लेते हैं, तो वो स्टोमाटा कहलाते हैं छिद्र. ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ओपन स्टोमाटा, कई बार पौधे के अंदर जो पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वाटर वेपर की फॉर्म में जो स्टोमाटा है, जहाँ पे हमने बताया कि लीव्स यानी कि पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वहीं से वो वाटर वेपर्स को भी बाहर निकालते हैं. पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर उसको वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि पौधा जो है नॉर्मल मात्रा में पानी ग्रहण कर लेता है और एक्सेस वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है.
अगर एक्सेस हो जाएगा वाटर का वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, उसमें वो पौधा मर भी सकता है। हाँ, ये आज रिवीजन में ये इतना ही करेंगे। आपको कॉपीज़ के लिए कहा गया है, आप कई वॉइस मैसेज भी डाले हैं, फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, ध्यान से सुन लें अपनी कॉपी आराम से। नेक्स्ट पूरा वीक है आप लोगों के पास, आराम से अपनी कॉपी कंप्लीट करके जूनियर विंग या सीनियर विंग में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, वहाँ क्लर्क हैं, पीएनस हैं, उनको दे कर आएँ। एक निश्चित जगह आपको बताएंगे, वहाँ पे रख के आएँ, वहीं से वापस लेकर आनी है जब आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट में जो कॉपियाँ दी गई हैं वो आपकी चेक हो गई हैं, प्लीज़ कलेक्ट दैम। ज़्यादा हड़बड़ी ना करें, आराम से प्यार से आपने कॉपियाँ बिल्कुल शांति से दे के आनी है और ले फिर चेक होने के बाद वापस लेनी है। ओके, थैंक यू सो मच।